और इधर रूस यूक्रेन की जंग का असर अब उस अंतर्राष्ट्रीय परिषद पर भी दिखने लगा है जिसे दुनिया की हर समस्या के बातचीत के निदान के लिए जाना जाता है। बात संयुक्त राष्ट्र परिषद की हो रही है जहां रूस और यूक्रेन के बीच सीधी तकरार हुई और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इस मंच पर रूस और यूक्रेन के बीच तकरार का कारण थी श्रद्धांजलि। यह प्रस्ताव हालांकि यूक्रेन ने रखा था लेकिन रूस ने इसमें खलल डालने की पूरी कोशिश की और फिर रूस परिषद में अकेला भी पड़ गया। कैसे देखिए। रूस यूक्रेन की जंग में दुनिया के हालात कितने बदल गए हैं इसे जानने के लिए किसी खास पैमाने की जरूरत नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रतिनिधियों के चेहरे और हाव भाव हालातों की पूरी तस्वीर बयां कर देते हैं। ऐसी एक तस्वीर पूरी दुनिया ने संयुक्त राष्ट्र के उस मंच पर देखी जहां रूस का साथ देने कोई नहीं उठा लेकिन यूक्रेन ने सभी का साथ हासिल कर लिया। श्रद्धांजलि पर तकरार, यूएन में मौन रहा। रूस यूक्रेन के बीच तकरार की जमीन पर संयुक्त राष्ट्र में देखा उसकी उम्मीद भी किसी को नहीं थी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर समान प्रतिनिधित्व देने की परिपाटी पर प्रहार हो गया। पहले यूक्रेन ने, फिर रूस ने जो किया उसने कई देशों को सीधे यूक्रेन के साथ खड़ा किया तो दूसरी तरफ रूसी खेमे को दहशत की दुकान बना दिया। दरअसल संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेनी विदेश मंत्री ने युद्ध पर टिप्पणी की और इस टिप्पणी के बाद यूक्रेन के पीड़ितों की याद में श्रद्धांजलि का प्रस्ताव रखा। जैसे ही काउंसिल रूम में मौजूद लोग मौन के लिए खड़े हुए वैसे ही रूस के एम्बेसडर ने अपनी सीट पर बने हुए सभी को रोकने की कोशिश की लेकिन जैसे ही श्रद्धांजलि पूरी हुई रूसी दूत ने भी 2014 के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने की अपील की लेकिन इस अपील को परिषद में मौजूद लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। काउंसिल रूम का ये वही वीडियो है जो श्रद्धांजलि सभा के लिए तकरार का साक्षी है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा अपनी टिप्पणी के अंत में कह रहे हैं कि क्या हम आक्रामकता के पीड़ितों की याद में मौन रहकर श्रद्धांजलि रख सकते हैं। वैसे ही सभी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं लेकिन रूस के दूत वासिली नेबेंजिया अपनी सीट पर बैठे बैठे सभी को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन रूस के प्रतिनिधियों के अलावा कोई भी उनकी अपील नहीं मानता और फिर जैसे ही मौन खत्म होता है नेबेंजिया अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहते हैं हम 2014 से यूक्रेन में जो कुछ भी हुआ है उसके सभी पीड़ितों की स्मृति का सम्मान करने के लिए खड़े हो रहे हैं। ये वो लोग हैं जो मारे गए लेकिन उनका साथ देने कोई देश सामने नहीं आया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।